फिश करी कैसे बनाते हैं, चिली मिर्ची फिश करी। अभी सबसे पहले हम मछलियाँ पकड़ के लेके आए हैं तालाब से। अभी हम उसकी गंदगी को एक बकेट के थोड़े पानी में से निकाल लिए हैं। अभी छोटे और बड़े मछलियाँ हमने इकट्ठा किए हुए हैं। अभी हम पहले बड़े वाले मछलियों को थोड़ा अच्छे से क्लीन करके ले लेंगे। आप देख सकते हो दो बड़े बड़े मछलियाँ, उसको हम पितोड़ बोलते हैं और सुमट करके दो बड़े बड़े मछलियाँ हैं। अभी हम उनको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। एक को हमने अभी अच्छे से क्लीन किया, अभी हम दूसरे को भी वो उसी तरह उसका अंदर का जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। अभी दो का हमने क्लीन किया, अभी हम तीसरा सुमट करके जो मिलता है उसको भी हम अच्छे से थोड़ा उसका आउटसाइड लेयर जो रहता है उसको निकाल के क्लीन किए। अभी आप देख सकते हो कि बड़े फिशेस को अच्छे से हमने क्लीन करके उसके अंदर का सब कुछ निकाल लिया है। अभी हम हमारे पास इतने सारे हैं तो इसमें भी हम थोड़े बड़े बड़े निकाल के पहले क्लीन करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमने बड़े बड़े एक साइड में रखे हुए हैं और छोटे छोटो छोटी मछलियों को उनका जो लेयर रहता है अपर लेयर खौला बोलते हैं उसको, उसको अभी हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि वो जो आउटसाइड लेयर का गंदगी रहता है उसको अभी हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। भी इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि गंदगी इसके अंदर ना जाए। अभी इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन करने के बाद हम इनका सर उनका जो गंदगी रहता है उसको निकाल रहे हैं और हम उसका सिर भी छोटे छोटे जो मछलियां हैं उनका भी हम सिर निकाल के फेंक देंगे क्योंकि वो थोड़ा खाने में टेस्ट नहीं लगता, इसलिए हम छोटो छोटी मछलियों का भी सिर निकाल रहे हैं। अभी हम सिर निकालने के बाद इनको थोड़ा अच्छे से सब सबका एक एक करके अभी सिर निकालेंगे। अभी हम इतने सारे मछलियों का सिर निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी उन पर थोड़ा पानी छिड़केंगे ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अभी ये अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी हमने उनको एक पॉट में रखा हुआ है कि जो हमने मीडियम का जो मछली था उसको हम अभी लेके उनका जो लेयर रहता है उसको अभी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। उनके लेयर पे जो रहता है उसको क्लीन करना रहता है, नहीं तो खाने के वक्त हमारे मुंह में अटकने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से रगड़ लेंगे और अच्छे से क्लीन करेंगे। अभी अच्छे से हमने इसको आउटसाइड लेयर अच्छे से क्लीन किया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने वो छोटे वाले रखा है, यहाँ पे हमने बड़े वाले क्लीन करके रखा है। अभी सबको क्लीन करके हुआ है, अभी हम इनका करी बनाएंगे। अभी हम उसको पहले सोला डालेंगे, फिर थोड़ा हल्दी इसमें मिक्स करेंगे,
भी हल्दी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा तिखट डालेंगे। अभी तीखा हमने इसमें मिक्स किया है। अभी हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। अभी इसमें हमने नमक डाल दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा जिंजर डालेंगे, लहसुन, लहसुन उसमें थोड़ा उसको ओपन करके थोड़ा उसमें मिक्स करेंगे। और अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे चूल पे बना रहे। अभी हम मछली में थोड़ा तेल मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि वो अच्छे से उनको तिखट मीट सब अच्छे से लग जाए। अभी हमने इसमें थोड़ा पानी मिक्स किया है। अभी इसको सब अच्छे से पानी मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको अभी हम चूल के ऊपर रख देंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नीचे से आग लगाई है और एक चूल के ऊपर अभी इसको हमने रख दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा धुआं चल रहा है। अभी थोड़ा हम इसको नीचे से आग सही से लगाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि आग सही से लग चुकी है। अभी इसको थोड़ा हम बॉईल होने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे। अभी हम इसको जल्दी बॉईल होने के लिए एक प्लेट उसके ऊपर अभी रखेंगे, ताकि वो जल्दी से बॉईल हो जाए। क्योंकि प्लेट डालने से वो जल्दी बॉईल हो जाता है। आप देख सकते हो कि एक साइड से वो स्लोली स्लोली बॉईल हो रहा है। आप देख सकते हो कि हमने इसको पूरा का पूरा बॉईल करके देखा है। अभी इसको हम थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसको सही से उसका जो भी हमने मटेरियल मिक्स किया है वो सही से इसको मिक्स हो जाए। अभी हमारा करी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कि हमने करी बना के रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें इसको एक अपने एक प्लेट में ले लेंगे, और इसके साथ हम साथ में रोटी भी ले लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे रोटी भी लिया है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखने के लिए धन्यवाद।